नमस्कार पिलाने पुणी थे आपको प्रियमदा क्लासेस रे स्वागत करुच्ची। तो आमर जो OSPI एव मॉक टेस्ट सीरीज चलता तार आज डेट 32 रे आम पहुँची जाइए। मुझे आज 20 क्वेश्चन लेके आसी चलत आम सेसन टी को स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन आड़ को आम जा देख आमको प्रथम क्वेश्चन कौन दे भजन पर 100 पाद गमन स्वास्थ्य पक्षे हितकारी रेखांकित पददेय क्यों प्रकार विशेष्य पद सी आमको क्वेश्चन पचार विशेष्य पद कौन विशेष्य पद तुम क्रियावाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य ना तुम जातिवाचक विशेष्य पद हम कौन आमर ये दुईटा भजन आगे कौन गमन दे तो यह सब कौन गोटे गोटे क्रियार नाम विशेष्य पद आम क्या कौचे जदि कौन एक तुम नाम को बुझौच प्रपर ना को बुझौच विशेष्य पद बोली कहचे तो यहाँ कौन गमन शयन भजन पठन है सब कौन गोटे गोटे क्रियार नाम तेणुताक आम कौन कह ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर क्रियावाचक विशेष्य पद क्रियावाचक विशेष्य पद आम क्या कौचे जदि कौन निर्दिष्ट क्रियार नाम को बुझौच आम क्रियावाचक विशेष्य पद बोली कहचे क्रियापद कौन जदि ये तुम पठाऊ पढ़ाऊ सब लगी जाता तो सीटा ही तुम क्रियापद से कौन जीता जदि कार्यटी चली पढ़ाऊँ पढ़ाई पढ़ुची उची इला ये सब जदि सी तुम हो कौन क्रियापद किंतु जेहेतु ये सब कौन गोटे गोटे क्रियार प्रपर ना को बुझौच तो ये आमर क्रियावाचक विशेष्य पद गुणवाचक विशेष्य पद आम क्या कौचे जी तुम प्रपर गोटे गुणर नाम को बुझौतव जमीक तुम निरीहता निरीहता कौन निरीह गोटे गुण सौंदर्यता तुम बार्धक बाल्यव्य सब कौन गुण रे तुम तुम अवस्थावाचक विशेष्य भी हो जाए गुण आउ अवस्थावाचक सामान तुम विशेष्य पदर गुण आउ अवस्थावाचक सामान तो ये निरीहता तुम बार्धक्य बाल्यव शैशव बुद्ध ये सब कौन तुम गुणवाचक अवस्थावाचक विशेष्य पदर आसीज वस्तुवाचक विशेष्य पद आम क्या कौचे जो गुड़ाक आम देखिपे छुई पारे आम वस्तुवाचक विशेष्य पद बोली कहचे जमीक तुम चाउल लुहा तंबा गोड़ी मटी यू कौन गोटे गोटे वस्तुवाचक विशेष्य पदर जीव जातिवाचक विशेष्य पद आम क्या कौचे जी तुम समूह वर्ग को बुझौच कि तुम गोष्ठी समूह को बुझौच जमीक मनीष जमीक मनीष मनीष भितर आम समस्ते मनीष भितर तुम्हें मुझे जीए भी जार गोटे ना को बुझौच से भितर आम तो मनीष कहले कौन समग्र वर्ग को बुझौच जदि गोटे ना को दे था जदि गोटे ना को दे था तो सी था तुम नामवाचक व्यक्तिवाचक विशेष्य पद नामवाचक आम कौन कही था व्यक्तिवाचक विशेष्य पद है ऑप्शन नंबर ए गला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देख ये आम कौन दे से मीठा मीठा कथा कहे रेखांकित पदर विशेषण स्थिर कर से मीठा मीठा कथा कहे तुम देख विशेषण विशेषण क्रियावाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण क्रियाच विशेषण पद विशेषण पद आम क्या कौचे जी विशेष्य पदर तार गुण अवस्था संख्या परिमाण को बुझौतव जे विशेष्य पदर गुण अवस्था संख्या आउ परिमाण को बुझौतव कौन परिमाण को जी बुझौतव जी विशेष्य पदर तुम गुण अवस्था संख्या परिमाण को बुझौतव आम विशेषण पद बोली कहचे तो सी कही मीठा मीठाटा आमर कौ प्रकार विशेषण पद हो प्रकार देख ये कहि जी तुम से कौन हो विशेष्य पद से कथा कहे से कथा कहे केमिति कथा कहे मीठा मीठा कथा कहे केमिति कथा कहे मीठा मीठा कथा कहे तो कथा कहेटा हूँ तुम कथाटा हो तुम विशेषण पद किंतु से विशेषण को जी अधिक विशेषित किए कर तुम मीठा मीठा कथा कहे
तीक्ष्ण कथा कहे रागी रागी कथा कहे हैला तो ताकू कौन कहवा आम विशेषण विशेषण पद हो कौन हो विशेषण विशेषण पद हो कहीं तुम वाक्य विशेष्य पदपी जो विशेष तुम विशेषण पदटी बस मेन विशेषण पदपी तुम अधिक जी विशेषित करें जदि तागरु आउ गुटे विशेषण पद लागि जाउची ताको आमे विशेषण रो विशेषण पद बोली कहबा जेमती कि से जणे से भारी भलो लोक से जणे भारी भलो लोक से भारी भलो लोक तो से भलो लोक भलो ऑलरेडी विशेषण पद किंतु तागरु भारी भलो लोक से आहुरी विशेषित करूची तेणु ताको आमे विशेषण रो विशेषण कहवा क्रियावाचक विशेषण आमे कहा को कहवा तुमरो जी तुम वाक्य क्रियापद को जी अधिक विशेषित करू क्रियापद को जी अधिक विशेषित करू आमे क्रियावाचक विशेष्य पद बोली कहवा जमीती कथाटी धीरे धीरे जनागला कथाटी धीरे धीरे जनागला कथाटी धीरे धीरे जनागला तो जनागला हिजबो तुमरो क्रियापद जनागला कौन हिजबो क्रियापद केमिति जनागला धीरे धीरे जनागला अति जोर रे वर्षा हला केमिति वर्षा हला जोर रे वर्षा हला जेहेतु सी क्रियापद को विशेषित करूची तेणु ताको आमे क्रियावाचक विशेष्य विशेषण पद बोली कहबा सार्वनामिक विशेषण पद आमे काहाकु कहबा तुमरो वाक्य रे थिबा विशेष्य पद निमित्त जो विशेषण पदटी सर्वनाम पद ताकु आमे सार्वनामिक विशेषण पद बोली कहवा जमीती कि ये लिखि देमी दिमी दिमी पूजा जमी दिमी पूजा तो जेमिती सेमिती हला जेमिती काम को तुम सेमिती मूल जेपरी काम को सेपरी मूल तो दियो कौन विशेष्य पद पूजा कौन गोटे विशेष्य पद तो से सर्वनाम पद गुड़ाक विशेषित करुंट तेणु ताको आम कह तुम सार्वनामिक विशेषण पद क्रिया जो विशेषण पद आम क्या कहचे जी तुम क्रियार मूल रूप गठित हो कौन जे क्रियार मूल रूप को लेकिन गठित हो तुम विशेषण पदटी जमीक फेरता गाड़ी तुम राधु फेरु राधु फेरता गाड़ी आसूची तो फेरताटा होमर क्रियाज विशेषण पद है नेक्स्ट क्वेश्चन को जी ऑप्शन नंबर ए गला राइट आंसर नेक्स्ट देख ये कौन दे पिलाटी भोकरे कांदुची एठारे हेतु बा कारण अर्थरे केऊ विभक्ति हेची को विभक्ति हेची तुमरो हेतु बा कारण अर्थरे देख को विभक्ति तृतीया चतुर्थी षष्ठी ना प्रथमा तो कौन देख पिलाटी कांदुची पिलाटी कांदुची कौथि पाई कांदुची कारणटा कौन भोकरे कांदुची से भोक पाई कांदुची तो कारणटा कौन होइगला भोक होगा तो ये सी कौन कही हेतु बा कारण अर्थरे हेतु कहले जहाँ कारण कहले तो कौ विभक्ति तो जेहेतु सी भोक कांदुची रेड आमर कौटी है तुमर ऑप्शन नंबर सी तृतीय विभक्ति द्वारा देही जोड़ी आसी जाए सी तृतीय विभक्ति जाए चतुर्थी विभक्ति कौन तुमर जोड़ा संप्रदान कारक कौन संप्रदान कारक जोड़ा जो तुमर किसी वस्तु सम्यक रूपे क्या दान कर तुमर चतुर्थी विभक्ति होता है तार चिन्ह कौन तुम कु की हला निमित्त पाई ये सब तुम चतुर्थी विभक्ति विभक्ति चिन्ह विभक्ति चिन्ह ये सब षष्ठी रे कौन तुम सम्बन्ध अर्थ रे जो विभक्ति होता है तुम रसीजो है प्रथमा कौन तुम कर्ताकारक
ଯେଉଁଠି ଟି ଟାଏ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇସବୁ ଆସିବ ତୁମର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ପିଓନ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ, ପିଓନଟା ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜନା, ବୈଦେଶିକ। ତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ତୁମର ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଆଉ ବୈଦେଶିକ। ତ ସିଏ କହିଛି ପିଓନଟା ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ତୁମର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ ଏଇସବୁ କ'ଣ, ତୁମର ପଲିସ, ତୁମର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଗତ ଶବ୍ଦ, କେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଗତ ଶବ୍ଦ ଆମର ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ତତ୍ସମ କ'ଣ, ତାହା ପରି, କାହା ପରି, ତୁମର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପରି, ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କହିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବିକଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ତୁମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ତୁମର ହଉ ତଦ୍ଭବ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ତତ୍ସମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ତଦ୍ଭବ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ତହିଁରୁ ଜାତ, ତଦ୍ଭବ କହିଲେ ତହିଁରୁ ଜାତ, କେଉଁଥିରୁ ଜାତ, ତୁମର ତୁମର ତତ୍ସମରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଯେଉଁଟା ଜାତ, ଯେମିତିକି ଘୃତ, ଘୃତଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତାର ତଦ୍ଭବ ରୂପ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଘିଅ, ତାର ତଦ୍ଭବ ରୂପ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଘିଅ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖଟି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏକାଦଶ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହବ ସିଏ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଏକାଦଶ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ, ଏକାଦଶୀ, ଏକାଦର୍ଶନୀ, ଏକାଦଶିନୀ ନା ଏକାଦଶୀ, କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆମର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏକାଦଶୀ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ତୁମର ଏକାଦଶରେ, ଏକାଦଶରେ ତୁମର ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦରରୁ ତୁମର ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ପଟ କଥ କେଉଁଟି, କଣ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, କଣ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ତୁମର କେତେ ପ୍ରକାରର, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ତୁମର କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ପଚିଶଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କେତୋଟି, ପଚିଶଟି, ଅବର୍ଗୀୟରେ କେତୋଟି, ଚଉଦଟି ହେଲା। ତ ସିଏ କହିଛି କେଉଁଟି, ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ତୁମର କଣ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟି, ତ ତୁମର ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆସିବ, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କଚଟ ଦବ, ଆଉ କ'ଣ, କତା ମୁ ଦ ଅ, କରେ କରେ କ'ଣ, କରେ କଣ୍ଠ, ତାରେ ତାଲବ୍ୟ, ମୋରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟ, ଅରେ ଅଷ୍ଟ୍ୟ, ଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟ, ଅରେ ହେଲା। ତ କ ବର୍ଣ୍ଣ, ଟ ଚ ବର୍ଣ୍ଣ, ଟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ବର୍ଗ ଆଉ ତୁମର ବ ବର୍ଗ। ତ ସିଏ କହିଛି କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ ଆସିଯିବ, କରେ କିଏ ଆସିଛି, ତୁମର କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣରେ କ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି, କ ଘ ଗ ଘ ଉ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଣ୍ଣ ତୁମର କଣ୍ଠ ବର୍ଗରେ ଆସିଯିବ। ତ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆମର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବିରାଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବଚନ ନିରୂପଣ କର, ବଚନ ନିରୂପଣ କର, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିରାଡ଼ିଟା, ବହୁ ବଚନ, ଦ୍ୱି ବଚନ, ଏକ ବଚନ ନା ବଚନ ଶୂନ୍ୟ ହବ। ତ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ବିରାଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ସିଏ ଏଠି କୌଣସି ବିରାଡ଼ିର ପ୍ରପର୍ ନାଁକୁ ସିଏ କହୁନାହିଁ,
ତମର ଯେମିତି ତମର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି କହିବି ମୁଁ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ, ଏଠି ମୁଁ କହିବି ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ହେଲା। ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛେ, ମଣିଷ ଯେତିକି ଅଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ସତ୍ୟ। ଚିରାଚରିତ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମର ହୋଇଥାଏ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବହୁବଚନ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିରାଡ଼ିଟା କ'ଣ, ସିଏ ସମସ୍ତ ବିରାଡ଼ି ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, କ'ଣ ସିଏ ସମସ୍ତ ବିରାଡ଼ି ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ପିଲାମାନେ ନିଷ୍ପାପ, ତ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି ତୁମର ନିଷ୍ପାପ ନୁହେଁ, ତୁମର ସମସ୍ତ ପିଲା ଜାତିକୁ ସିଏ ନିଷ୍ପାପ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବହୁବଚନ ବୋଲି କହିବା। ଏକ ବଚନ କ'ଣ, ଯଦି ଟିଟାଏ, କଲମଟିଏ, ବହିଟିଏ ହେଲା, ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଏକ ବଚନ କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ପଠାଇଲା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟା କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ସିଏ କହିଛି ପଠାଇଲାଟା ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ହେବ, ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା, ନା ତୁମର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କ'ଣ, କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କହିବା, ଯଦି କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଉଛି, କିମ୍ବା ତୁମର ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଧାତୁ ସହିତ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଯାଉଛି, କ'ଣ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଏଠି ସେ କହିଲା ପଠାଇଲା, ପଠାଇଲାର ଧାତୁଟା କ'ଣ ପଠ, ପଠାଇଲାର ଧାତୁଟା କ'ଣ ପଠ, ପଠରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକି ପଠ ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଦେଖ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଗଲା, ପଠାଇଲା, ପଢ଼ାଉଛି, ପଢ଼ାଇବ, ଏସବୁ କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଗଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନେଇକି ତୁମର ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନେଇକି କ୍ରିୟାଟି ଗଠିତ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ବଙ୍କେଇବା, ବଙ୍କେଇବା ଜୀବନର ଧର୍ମ। ତ ବଙ୍କା, ବଙ୍କାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ବଙ୍କାଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ତୁମର ଇବା, ଉଲି, ଉଛି ଏଇସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିହ୍ନ ତୁମର ଶବ୍ଦ ଲାଗିଯାଉଛି, ସିଏ ତୁମର ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଆମର କ୍ରିୟାଟି ଅସମାପ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ସିଏ ଆମର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାକ୍ୟଟି ସମାପ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖଡ଼ି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମ୍ବଖିଆ ପିଲାକୁ ଟାକୁଆ ଯାଇଯିବା, ଉକ୍ତ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ଦଶାଅ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରିବା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା, ସ୍ନେହ ଆଦର ନ କରିବା, ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହେବା, କେଉଁଟା ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା। ତୁମେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ କାମଟା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଧନ ଦେବ କିମ୍ବା ତୁମେରେ ଲୋଭ ଦେଖାଇବ କମ୍, ତ ସିଏ କ'ଣ ତୁମର କଥା ମାନିବ। ତ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମର ହେଇଛି ଆମ୍ବଖିଆ ଲୋକକୁ ତୁମେ ଟାକୁଆ ଯାଚିବା। ଟାକୁଆ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଥାଏ ତୁମର ତାକୁ ଆମେ ଟାକୁଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରିବା କ'ଣ, ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା, ତାର କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ନେହ ଆଦର ନ କରିବା, ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହେବା, ଏସବୁ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖଡ଼ି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଏହାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ। ଜଗଦୀଶ୍ୱର ତୁମର ଜଗତ ଯୁକ୍ତକ ଈଶ୍ୱର, ଜଗତ ଯୁକ୍ତକ ଈଶ୍ୱର, ଜଗ ଯୁକ୍ତକ ଈଶ୍ୱର ନା ଜଗ ଯୁକ୍ତକ ଦିଶ୍ୱର, କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆମର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ, ଜଗତ ଯୁକ୍ତକ ଈଶ୍ୱର ହେଇକି ଆମର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ହେଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, କେଉଁ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି,
संधि को आम के भाग में विभक्त करीचे तीन भाग में विभक्त करीचे तुम स्वर संधि व्यंजन संधि आउटे कौन विसर्ग संधि स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि तो देख ये तरे हणत लगी तेणु यहाँ गोटे व्यंजन वर्ण यहाँ गोटे कौन तुम स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण तुम संधि क्या कौचे तुम प्रथम पदर शेष वर्णटी प्रथम वर्णर तुम शेष वर्णटी कौन र्यंजन वर्ण एवं पर पदर प्रथम वर्णटी एटा कौन प्रथम वर्ण यटा शेष वर्ण तार कौन र्यंजन वर्ण कि तुम स्वर वर्णर मिलन को आम व्यंजन संधि बोली कहचे है ऑप्शन नंबर बी हो गला राइट आंसर। नेक्स्ट देख ये कौन दे प्रकाश्य यार विपरीतार्थ बोधक शब्दटी कौन प्रकाश्यर विपरीत कौन हो तुम अप्रकाश्य गोपनीय अगोपनीय प्रकाश अकाश्य तो कौटा हो प्रकाश मान कौन जड़े खोलिकी कह गोपनीय कहले कौन लुचेक रखा तो ऑप्शन नंबर बी हो गोपनीय कहले लुचेक रखा प्रकाश्य कहले तुम खोलिकी कह। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख ये कौन देखिए निम्नोक्त के शब्दी अलग सीए भिन्नार्थ बोधक शब्दी आमको पचार देख नभ सूर्य तपन भानु तो कौटा हो आमर देख सूर्य तपन भानु तुम रवि दिवाकर ये सब कौन आमर सूर्यर प्रति शब्द हो नभटा कौन आकाशर प्रति शब्द नभटा कौन आम आकाशर प्रति शब्द तुम अंतरिक्ष नभ खेचर भ ये सब तुम आकाशर प्रति शब्द ऑप्शन नंबर ए गला राइट। नेक्स्ट जवाब देख ये कौन दी मुते कहली तथापि से शुणिले ना रेखांकित पदटीर अवय स्थिर कर अवय स्थिर कर तथापिटा आमर कौ प्रकार अवय अवय आम क्या कहचे जो पदटी तुम लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति कौन सी भी स्थान में जी तुम परिवर्तन हुए ना अवय कहले कौन अक्षय मान क्षय हम ना तो से आम अवय पद बोली कहचे तो तथापिटा कौन होमर संयोजक विजोजक संभावना सूचक ना तुम हेतुवाचक अवय पद कौन होटा आमर ऑप्शन नंबर बी हो विजोजक अवय पद विजोजक अवय पद आम क्या कहचे तुम जो पदटी दुईट वाक्य कि पद को तुम पृथक करमती कि कौन कही मुते कहली एटा गोटे वाक्य से शुणिले ना है जिते बड़ा देख तुम गोटे पॉजिटिव तुम वाक्य थी गोटे सकारात्मक आ गोटे नकारात्मक नाहीटा कौन गोटे नकारात्मक जो वाक्य तुम गोटे पॉजिटिव आ नेगेटिव रही जाऊँ आम विजोजक अवय पद बोली कह जो तुम पॉजिटिव आ पॉजिटिव रही जाऊँ संयोजक बोली कह जमती कि तथापि किंतु मात्र ये सब कौन तुम विजोजक अवय पदर आसीज संयोजक कौन आउ एवं पुणी आहुरी ये सब आम संयोजक अवय पद हो संभावना सूचक अवय पद को गुड़ाक जदि यद्यपि तेबे ये सब आम संभावना सूचक अवय पद होमती कि जदि प्रबल खरा हुए जदि प्रबल खरा हुए तेबे स्कूल गुड़िक बंद हो तेबे स्कूल गुड़िक बंद हो हेला तो देख जदि तेबे एटा गोटे संभावना करा जाउछि तुम भविष्य कौन हबर गोटे आकलन करमें कह तुम संभावना सूचक अवय पद हेतुवाचक अवय पद को गुड़ाक एणु तेणु जेतु यू आम हेतुवाचक तो ऑप्शन नंबर बी हो गला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो जड़ विज्ञान समास निर्णय कर जड़ विज्ञान कौ समास हम तत्पुरुष समास द्वंद्व समास कर्मधारय समास ना कौन देखिए ये दिगु समास हम
कौ समास हबो ऑप्शन नंबर बी द्वंद समास हबो द्वंद समास आमे काहाकु कहूचे तुमर एकाधिक विशेष्य पद को नेकी जो तुमर समासडी गठित होइताए ताकु आमे द्वंद समास बोली कहूचे किंबा तुमर प्रत्येक शब्दर अर्थ रहितब यार व्यास वाक्यटी कोन हबो देखो जड़ ओ विज्ञान जड़ विज्ञान तो जड़ कहले कौन पदार्थ जहा जड़ कहले जार जीवन ताको आमे जड़ बोली कहचे जोड़ा को पदार्थ विज्ञान तो जड़ कहले भी तार गोटे निहाती गोटे तार गोटे स्वतंत्र अर्थ अच्छे विज्ञान कहले भी जोड़ा के आमे गोटे विषय को बुझौचे आम कहे तुम जार संपूर्ण भिन्न भिन्न अर्थ रोचे आम द्वंद समास कहे तत्पुरुष समास आम क्या कहे जो समास तुम द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्ति चिन्ह रही जाऊचे तुमर समस्त पदरे विभक्ति चिन्ह जो लोप पाई जाऊचे ताको आमे तत्पुरुष समास बोली कहचे कर्मधारय समास आम क्या कहे जो तुम समास विशेष्य सहित तुम विशेषण पद रही जाऊचे जमती कि भंगा घर फटा हांडी पड़ा तीयण नील कई ये सब कौन कर्मधारय समास रे आसी जीव दिगु समास कौन जो समास रे तुम समष्टिवाचक चिन्ह रही जाऊची जमती कि पंचगव्य षड रिपु पंचेन्द्रिय सब तुम दिगु समास रे आसी जीव नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो ये कौन दीची शुद्ध शब्द को निर्णय कर तुम चारिटा ऑप्शन दीची कौटा यू शुद्ध आउ तीनोटी तुमर अशुद्धि अच्छे तो आमको शुद्ध शब्द को बाछवाक पड़ो देख कौन दीचे मिछई रवींद्र बहु अवसर्ण तो कौटा हो देख ऑप्शन नंबर बी जदि ये तुम हर्सई सी आम अशुद्धि रूप होता सी कौन होता अशुद्धि रूप मिछई रुद्ध रूप कौन आम देख द्वितीय छई कि आम दीर्घई होता है सेटा हो जाए आम शुद्ध रूप बहु कौन तुम दीर्घ हरे तुम दीर्घ आसीज तार शुद्ध रूप अवसन्न शुद्ध रूप कौन अब तालबेश सरी दंत सही द्वितीय न होकर तार शुद्ध रूप हो जाए तो ऑप्शन नंबर बी ही गला नेक्स्ट जीवा कौन देखिए व्याकरण मध्य कर्म क्या कहुए कर्म क्या कहुए आम व्याकरण से जहाद्वारा क्रिया साधित कर्तार क्रिया साधन जहाँ अभिलषित कर्तार साधित क्रिया ना कौन सी हेबना आम कर्म कौन जोटा क्रिया आम कर्ता करुच्छे गोटे कार्यटे करने कर्म टीए दरकार तो कौन कही कर्तार क्रिया साधन जहाँ अभिलषित ऑप्शन नंबर बी होमती मार्कोनी रेडियो उद्भावन करते मार्कोनी कौन उद्भावन करते तुम रेडियो उद्भावन करते तो जो क्रियाटी साधित है क्या मध्यम तुम रेडियो मध्यम जमीती कि इंग्रज मैने भारत को खंड खंड करते कौन करते इंग्रज मैने भारत को खंड खंड करते तो से मैंने क्या खंड खंड करते तुम भारत को खंड खंड करते जो क्रियाटी साधित होारत तो भारतटा होमर कर्म कौन कही कर्तार क्रिया साधन जहाँ अभिलषित ताको आम कर्म बोली कहचे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखी कौन दीची समचारित शब्दर अर्थ कही सी सत आउ सत गोटे दंतस आ गए तालबेश सतर तुम अर्थ सी आमको पचार देख सत्य आउ संख्या विशेष सत्य पद्म प्रतिज्ञा एकश ना सत्य आउ प्रतिज्ञा कौटा हो आम ऑप्शन नंबर ए यार अर्थ हो सत्य आई अर्थ तुम जोड़ा एक शत बोली आम कही था शहे बोली जोड़ा को आम कही था आम संख्या विशेष बोली कहवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओडियारे छंद को केते भागरे विभक्त करा जाइछि छंद को केते भागरे विभक्त करा जाइछि पाँच चार दुई तीन अच्छा छंद आम क्या कहे आम काव्य को रचना करने जो गोटे निर्दिष्ट शैली रही किंबा जो नियम रही आम छंद कही था छंद को आम के भाग में विभक्त करे ऑप्शन नंबर बी दुई भाग में विभक्त करे कौन कौन तुम मित्राक्षर छंद आ गोटे तुम अमित्राक्षर छंद
अमित्राक्षर छंद। मित्राक्षर छंद आम क्या कही था तुम गोटे पद पद कौटा गोटे पद लिखुचे जमती कि प्राणी भलमंद बाणी मरण काले ताहा जानी। देख प्राणी भलमंद बाणी मरण काले ताहा जानी। एटा आमर कौड़ आसवतर आसीचे तो पद आम क्या कौचे ये टोटाल आम गोटे पद कौचे पाद कौटा आमर जो गोटे लाइन ये दुईटा पाद को नहीं कि आम गोटे पद हो पाद कौटा गोटे लाइन को आम पाद कौचे तो ये दुईटा पाद को नहीं कि आम गोटे पद हो तो सीए कौन कौच मित्राक्षर आम क्या कहवा देख जो पदर तुम शेष जमी ण आसीगला तुम शेष तुम ऋण आसी जाऊँ तो एका एका बर्ण जो पदरे आसी जाऊँगी ताको आमे मित्राक्षर कहवा जदि ये तुम ण जगार ये तुम रीस कि किसी भी जदि आसी तुम अलग अलग बर्ण आसी जाऊँगी ताको आमे अमित्राक्षर छंद बोली कहवा तो जानिपार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख ये कौन दे तुम नियम मुझ प्रकार वाक्य कौ प्रकार वाक्य तुम प्रश्न सूचक आदेश सूचक नास्ति सूचक ना बृति सूचक वाक्य। अच्छा व्यवहार दृष्टि आम वाक्य को केते भाग विभक्त करूचे आम पांच भाग विभक्त करूचे गोटे बृति सूचक प्रश्न सूचक आदेश सूचक नास्ति सूचक आ गोटे कौन आसीज आम विस्मय सूचक वाक्य आ गोटे कौन विस्मय सूचक वाक्य। तो यहाँ कौ प्रकार वाक्य देख टीर नियम मानि पारिबी नाही एटा गोटे अवज्ञा अर्थरे जाउची सी मना कर दौची नाही अर्थरे तो यहाँ कौटी हो ऑप्शन नंबर सी हो नास्ति सूचक वाक्य। आज शेष क्वेश्चन आड़ को जीवा देख ये लास्ट क्वेश्चन आमको कौन दे भारतर राष्ट्रपति दिल्ली में रुहती रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति चतुर्थी पंचमी तुम तृतीया ना षष्ठी विभक्ति हो विभक्ति आमर केत प्रकार अच्छी सात प्रकार अच्छी तुम प्रथम रु सप्तमी पर्यंत कारक केत प्रकार अच्छी आम छ प्रकार अच्छी जोड़ी आम षष्ठी विभक्ति आसे ना है तो सी कही भारतर यहाँ देख गोटे संबंध अर्थ देखा तुम रिभक्ति जोड़ी र चिन्ह जोड़ी आसीज से कौन होप्शन नंबर डी षष्ठी विभक्ति रे जीव हैला चतुर्थी रे कौन तुम जोड़ा संप्रदान कारक पंचमी रे कौन अपादान कारक जोड़ी गोटे वस्तु अन्य तुम वस्तु ठार क्रिया द्वारा विच्छिन्न होकु आम अपादान कारक कि पंचमी विभक्ति बोली तृतीया कौन तुम करण कारक जहाद्वारा आम कार्यटी साधित होकु आम करण कारक कहचे तो आज क्लास टाक आम ये एंड अप करवा है तो मो भिडी जदि आपको भल लगी ताले लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके निहाती जी रोजी नमस्कार।